कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का असर सोमवार को भी देखने को मिला। महानगर के सड़कों पर वाहनों का आवागमन जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने रेलवे म्यूजियम रोड, यूनिवर्सिटी चौराहा, सिटी मॉल रोड, हरिओम नगर तिराहा, जीडीए तिराहा तथा अम्बेडकर चौराहों पर वाहनों का चेकिंग कर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों का चालान किया। इसके अलावा रात्रि में भी पुलिस ने चेतना तिराहे पर वाहनों का चेकिंग किया और कर्फ्यू का पालन करवाया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार और सीओ कैंट एएसपी राहुल भाटी ने बताया कि महानगर में 41 जगहों पर बैरिकेटिंग किया गया है तथा सुबह और शाम को 3 घंटे का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना वजह घरों से निकलने वाले लोगों का चेकिंग की जा रही है, उनका चालान कर वाहनों को सीज किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि बेवजह घरों से ना निकले, मास्क पहनकर ही निकले और सोशल डिस्टेंस का पालन करे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट एएसपी राहुल भाटी और एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, कौन
जी अभी कप्तान साहब के निर्देशन में सुबह 3 घंटे का अभियान चलाया गया था। अभी शाम को 6 से लेकर 9:30 तक सख्त वाहन चेकिंग मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जो बिना वजह लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने वाहनों से निकल रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका चालान किया जा रहा है और कई बार उनको उन वाहनों को सीज़ भी किया जा रहा है। और बार बार जनता से यही निवेदन किया जा रहा है कि बेवजह घरों से ना निकलें, मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जुर्माना भी वसूला जा रहा है? हाँ, जुर्माना भी वसूला जा रहा है, उसके अलावा गाड़ियों को सीज़ किया जा रहा है और जितना भी शमन शुल्क होता है उसकी जानकारी दिन के अंत में सारे सर्कल के सारे थानों से एकत्र करके मीडिया को दे दी जाएगी। ठीक है, आज 41 जगह बैरियर लगा के हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम भी लागू की गई है, क्योंकि 2-3 दिन बाद मंडे का दिन है जो भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, तो पुलिस सुबह से ही सक्रिय है और जो भी लॉकडाउन का वायलेशन करता पाया जाए उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब जो भी अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, अगर वो किसी हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं या वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं या आवश्यक वस्तुओं की सेवा में नहीं लगे हुए, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी, चलान किया जाएगा, गाड़ियां भी सीज की जाएंगी। सर, लोगों से क्या अपील? देखिए, लोगों से मेरी अपील ये है कि कोरोना पे आधी विजय हमने प्राप्त की है, अभी भी खतरा बचा हुआ है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि कम से कम घर से निकलें, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी तभी घर से निकलें, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें और जो भी कोरोना से बचने के उपाय हैं घर पर उनका भी पालन करते रहें।